हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल टू के रिगार्डिंग। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी लेवल टू में चार पोस्ट है, ठीक है। किसी किसी जोन में आपको तीन पोस्ट है, किसी किसी में चार पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क, जिसमें कि आपको तीन पोस्ट टाइपिंग का है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये तीन पोस्ट है टाइपिंग के लिए और एक पोस्ट है जो कि आपको नॉन टाइपिंग है, ट्रेन क्लर्क का। जूनियर टाइम कीपर ये जो पोस्ट है ये बहुत ही कम पोस्ट है किसी किसी जोन में, बाकी ये तीन पोस्ट है सभी जोन में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड कटअप आरआरबी गुवाहाटी का लेवल टू से क्या जा सकता है, ठीक है। टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट का कटअप देखेंगे और बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, रैंक आई क्यू डेटा को ना बहुत अच्छे से चेक करने के बाद, काफ़ी टाइम टेके नहीं है क्योंकि अभी जो रैंक आई क्यू में डेटा है वो एलिमिनेशन हुआ नहीं है लेवल फाइव का, तो बहुत ही बारीकी से चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो है एनालिसिस करने के बाद ही जो है कटअप का प्रेडिक्शन मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा इसको, काफ़ी कमेंट आ रहा था सभी बच्चों का कि सर लेवल टू का बताइए एनालिसिस करने के बाद। और जो पहले कटअप गया था, देखिए यू आर का कटअप गया था यहाँ पे 58.33, कटअप पहले से ऑलरेडी यहाँ पे कम है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपको लेट से हुआ था एग्ज़ाम, दो महीना ऑलमोस्ट लेट हुआ था और इसका क्वेश्चन का भी थोड़ा सा टफ था, इसी की वजह से यहाँ पे कटअप बहुत ही कम गया हुआ था। जो टाइपिंग के लिए कॉल किया गया था आपको, यू आर का कटअप गया था 58.33, ओबीसी का 51 कटअप गया हुआ था और ईडब्ल्यूएस का 48, एससी का 47 और एसटी का देखिए सिर्फ 41 कटअप गया था आउट ऑफ 120। तो कटअप ऑलरेडी यहाँ पे कम है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कटअप कम गया हुआ है तो फाइनल कटअप जो आपको लेवल टू का जाएगा सिलेक्शन के लिए वो भी कटअप कम जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी टेबल को आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम है, खास करके नॉन टाइपिंग पोस्ट का। नॉन टाइपिंग पोस्ट का यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको यू आर से 11 पोस्ट है, उसके बाद एस सी का 4 पोस्ट है, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है क्योंकि ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग नहीं है। उसके बाद एस टी का बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट है, ओबीसी का बात करें तो 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 3 पोस्ट है और टोटल यहाँ पे 27 पोस्ट है जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। इसीलिए इसका कटअप का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और बाकी जो भी कैलकुलेशन लगा मेरे हिसाब से, जो मैं मुझे रैंक आईक्यू डेटा को चेक करने के बाद लगा हुआ, मैं शेयर करूँगा, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट कटअप तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, एक जो रेंज होता है ना, एक कैलकुलेशन के बाद सभी चीज़ को देखते हुए, और रैंक आईक्यू डेटा जब से आया है तब से और थोड़ा सा आसान हो गया और से करीब करीब पहुंच जाते हैं जो कटअप प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए लेवल फाइव का जो कटअप का प्रिडिक्ट किया था मेरे द्वारा, लगभग 97 से 98% जो है मैच हुआ है, अगर आप देखे होंगे तो आप जानते हैं। तो देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एनालिसिस करने में रैंक आईक्यू डेटा को, और भी यहाँ पे वैकेंसी टेबल देखने के बाद ये सारे कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाए लेवल टू का, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि टाइपिंग पोस्ट है, और ट्रेन क्लर्क का यहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, P2 मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सब क्या होता है इसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, अगर आपको डाउट हो तो आप देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मेडिकल भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम में, अगर मेडिकल में कोई अनफिट होता है तो पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाता है। खैर चलिए, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कटअप गुवाहाटी जोन से क्या जा सकता है। और टाइपिंग पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे टोटल जो है कॉल किया गया था 1894 बच्चे को कॉल किया गया था, और टोटल टाइपिंग पोस्ट कितना है, यू आर से देखिए यहाँ पे 99 पोस्ट है, ओबीसी से 65 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस से 22 पोस्ट है, एससी से आपको 36 और एसटी से आपको 19 पोस्ट है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, जो एससी का पोस्ट है आपको 36 है, ईडब्ल्यूएस का 22 पोस्ट है, ठीक है। अब इस दोनों का जो है ना कटअप में ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो टोटल पोस्ट देखें टाइपिंग के लिए, टोटल 241 पोस्ट है टाइपिंग का, अगर इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो लगभग 7 पॉइंट, देखिए अगर इसको डिवाइड किया जाए यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं हम लोग, टोटल पोस्ट है आपका 1894 डिवाइड 241, तो यहाँ पे 7.85 आता है। तो 7.85 टाइम्स जो है बच्चे को कॉल किया गया था टाइपिंग पोस्ट में। अब इसमें एक और फैक्टर है, यहाँ पे लेवल फाइव के भी स्टूडेंट होंगे जिसका सिलेक्शन लेवल फाइव में हो गया होगा, ठीक है, लेवल सिक्स के भी स्टूडेंट होंगे जिसका सिलेक्शन लेवल सिक्स में हो गया होगा, और लेवल थ्री के भी स्टूडेंट होंगे जिसका सिलेक्शन लेवल थ्री में हो जाएगा,
क्योंकि लेवल टू का प्रोसेस सबसे लास्ट में होने वाला है, एकदम वन बाय वन, ठीक है। लेवल सिक्स में स्टूडेंट कुछ सिलेक्शन होगा, लेवल फाइव में सिलेक्शन होगा, लेवल थ्री में सिलेक्शन होगा। तो लेवल टू आते आते आपको बहुत ही जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट होंगे कम होंगे, यानी कि लगभग आपको जो है 20% के आसपास जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे, बाकी सब ट्वेल्थ वाला होगा। तो जो मेन फाइट है वो ट्वेल्थ वाले कैंडिडेट से ही है, ठीक है। क्योंकि जो ग्रेजुएट वाले अच्छे स्टूडेंट है उसका तो हो किया होगा ना, लेवल सिक्स, लेवल फाइव, लेवल थ्री में ऑलरेडी हो गया होगा सिलेक्शन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल कितना जोन को बुलाया गया था, सॉरी कितने कैंडिडेट को बुलाया गया यहाँ पे, तो 7.85 टाइम्स जो है कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर आप समझिएगा तो आपको जो है कटअप का प्रिडिक्ट मतलब जो है समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने कटअप का प्रिडिक्ट किया यहाँ पे। तो जो 7.5 UR का भी आपको 7.85 टाइम्स लिया गया होगा, इसका भी 7.85 टाइम्स कॉल किया होगा, इसी तरह से सभी का 7.85 कॉल किया होगा। अगर हम लोग यूआर का देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, टोटल जो यूआर का बच्चे को मतलब कॉल किया गया था वो 777 लगभग ऐसे बच्चे हैं जिसको कॉल किया गया था, मतलब आपको टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब देखिए ये कैलकुलेशन से आप ये चीज़ पता ये लगा सकते हैं कि 777 UR कैटेगरी से ऐसे बच्चे हैं जिसका जो है मार्क्स आपको 58.33 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे, मतलब ज़्यादातर बच्चे तो इसके आसपास ही होगा, 3-4 नंबर ज़्यादा होगा, बाकी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, जैसे जैसे आपको जैसे मान लीजिए 85 के आसपास जाएगा तो बच्चे कम होगा, 90 से आपको एक या दो बच्चा होगा, तो इस तरह से कम होता है। अब यहाँ पे टोटल सीट अगर यूआर का देखें, देखिए अभी थोड़ा सा आप थोड़ा टाइम देखिए, यहाँ पे यूआर का टोटल सीट कितना है, यहाँ पे टाइपिंग के लिए देखा जाए तो 99 में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए 6, 3, 9 और 1, 10 का 0, 7, 2, 9, 1, 10, 110 सीटें टोटल। और टोटल कितने बच्चे को कॉल किया गया है, 777 बच्चे को, मतलब देखिए इसमें तो टाइपिंग बहुत बच्चा फेल होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है आप कैलकुलेशन को समझिए कि 58.33 से 777 ऐसे बच्चे हैं जिसका मार्क्स इतना ज़्यादा है। और जॉब कितने का होना है, जॉब टोटल आपको जो होगा 110 बच्चे का ही होना है यूआर कैटेगरी से, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इसीलिए और नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको सिर्फ 11 है, नॉन टाइपिंग पोस्ट सिर्फ 11 है, इसमें तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है ना यहाँ पे। तो इसी तरह से और भी आप सभी कैटेगरी को लेके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बच्चे को कॉल किया गया है और फिर उसका सिलेक्शन होगा। चलिए अब अगर बात करते हैं कि कटअप नॉन टाइपिंग पोस्ट का देखिए कितना जा सकता है, यूआर रैंक IQ डेटा को चेक करने के बाद मुझे लगा लेवल, अगर आप यूआर कैटेगरी से और नॉन टाइपिंग पोस्ट जो यहाँ पे 11 है, ठीक है, यूआर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने में सिलेक्शन होगा आपका। अगर आपका मार्क्स जो है 82 से लेकर 84 के रेंज में है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ से एक सीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहीं OBC का बात करते हैं तो OBC का देखिए टोटल कितना, आपको यहाँ पे टोटल सिर्फ 7 सीट है। अगर आपका मार्क्स जो है 78 से लेकर सॉरी 78 से लेकर यहाँ पे देखिए, अगर आपका मार्क्स 78 से लेकर 80 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक सीट आपको मिल जाएगा। वहीं EWS का बात करते हैं तो EWS में टोटल 3 ही सीट है, सिर्फ 3 सीट है, सोचिए। इसका कटअप जो आपको जाएगा 81 से लेकर 83 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे कटअप 91 जाएगा, 92 जाएगा, नहीं ऐसा नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं जिसका मार्क्स ज़्यादा है वो लेवल 5, लेवल 3, लेवल जो है 6 में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब वहीं बात करते हैं अब हम लोग SC का, देखिए SC में यहाँ पे टोटल 4 सीट है। SC में अगर आपका मार्क्स 79 से लेकर 80 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप इसमें 77 भी अगर हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं सिलेक्शन होने के चांसेस है। वहीं ST का बात करते हैं तो ST का जो कटअप है 76 से लेकर 78 जाएगा, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, यही कटअप रहने वाला है नॉन टाइपिंग पोस्ट का, ठीक है। लेवल टू के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पे अगर हम लोग टाइपिंग पोस्ट का देखते हैं, टाइपिंग का सीट ज़्यादा है और मतलब कंपेयर करें नॉन टाइपिंग पोस्ट से तो बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। और एक ये भी है कि आपको देखिए टाइपिंग जो हुआ है गुवाहाटी का उसमें लगभग आपको 65 से 70% बच्चे जो हैं डिसक्वालीफाई हुए हैं टाइपिंग पोस्ट में, टाइपिंग में, ठीक है। टाइपिंग में यहाँ पे देखिए UR का 99 सीट है, OBC का 65 सीट है, EWS का 22 सीट है, तो टाइपिंग में कंपेयर टू नॉन टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा सीट है, यहाँ पे 2 पोस्ट है, ठीक है, लेवल टू में, तो इसका जो कटअप जा सकता है टाइपिंग, काफ़ी बच्चे यहाँ पे डिसक्वालीफाई हुए हैं, याद रखिएगा लगभग 65 से 75% जो है टाइपिंग में डिसक्वालीफाई हुआ है क्वालिटी जोन से, ठीक है। तो
तो इसका जो अगर आपका मार्क्स देखिए टाइपिंग का अगर बात करते हैं तो कटअप यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर का 658 गया था। तो ये कटअप को ध्यान में रखते हुए इससे आपका आपका मार्क्स जो यूआर का कटअप है वो आपको 67 से लेकर 69 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। वहीं ओबीसी का बात करते हैं तो देखिए ओबीसी का जो कटअप है ओबीसी का कटअप आपको 59 से लेकर 61 रहने वाला है, ये टाइपिंग पोस्ट का कटअप है याद रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस का कटअप आपको 57 से लेकर 59 जाने वाला है, और जो एससी का कटअप जाएगा वो 54 से लेकर यहाँ पर 56 जाएगा, और एसटी का जो कटअप है 49 से 51 जाएगा। ठीक है, तो ये टाइपिंग पोस्ट का कटअप है गुवाहाटी जोन से, और ये नॉन टाइपिंग पोस्ट का कटअप है। देखिए एनालिसिस करने के बाद रैंक आईक्यू डेटा चेक करने के बाद वैकेंसी टेबल को ध्यान में रखते हुए लेवल 6 लेवल 5 लेवल 3 का जो रिजल्ट होगा वे सबको ध्यान में रखते हुए ठीक है ग्रेजुएट के स्टूडेंट को बाहर करते हुए मतलब लगभग 20% ही ग्रेजुएशन के स्टूडेंट बच जाएंगे आपको, ज़्यादातर तो अच्छे जो स्टूडेंट हो चले जाएंगे, जिसका मार्क्स कम होगा तो उसका लेवल 2 में भी कम होगा। तो मेन जो फाइट है ट्वेल्थ वाले से ही होगा आपको अपने ही कैटेगरी से। तो यही कटअप का प्रेडिक्शन था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मतलब काफ़ी मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जाए यहाँ पर उठकर। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को कम से कम एक लाइक तो कीजिएगा ही ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ग्रुप में, और किसी और जोन का चाहते हैं कटअप का प्रेडिक्ट करना तो आप कॉमेंट में बताइएगा, मैं एनालिसिस करने के बाद वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।